हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन के नियमों में राहत मिलने के बाद प्रशासन की ओर से यमुना नदी के खनन घाटों पर दो खनन एजेंसियों को खनन करने की अनुमति मिली है, लेकिन गुमथला गांव के लोगों का आरोप है कि अनुमति मिलने के बाद न केवल खनन एजेंसियां खनन और सिंचाई विभाग के नियम तोड़ रही हैं और वहीं लॉकडाउन के नियमों का भी जमकर उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि खनन सामग्री में लगे ट्रकों पर खाद्य सामग्री ले जाने के पास लगे हुए हैं, लेकिन उन ट्रकों में रेत की सप्लाई की जा रही है और वहीं खनन एजेंसियों ने कार्य शुरू करते हुए यमुना नदी की धारा को भी बांध बनाकर बदलना शुरू कर दिया है। पर जो ट्रकों पर जो पास हैं वो खाद्यान्न पूर्ति, मेडिकल सप्लाई व अदर तरह के जो जरूरत के सामान है उनके पास लगे हुए हैं और उन गाड़ियों में विकलों में जो है रेत भर करके ले जाया जा रहा है, जो सरासर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर इस तरह से हम बाहर के वाहन हमारे क्षेत्र में रेत लेने के लिए आएंगे तो ये एक बड़ा सवाल जो है सुरक्षा को लेकर के खड़ा हो जाता है और हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करेंगे कि आउट स्टेट के जो वाहन हैं वो हमारे क्षेत्र में खनन सामग्री लेने ना आए, उन पर रोक लगनी चाहिए